यहाँ पे मैं आज आप लोगों को तीन तरह की बूंदी दिखा रही हूँ। एक जो है जिसका बिल्कुल चूरा सा हो चुका है, ये जो एग है ये गोल तो है लेकिन सख्त है, इसके अंदर तक चाशनी नहीं जा पाएगी और ये खाने में बिल्कुल रूखी सूखी लगेगी। और ये जो एग है जिसका आकार ही ठीक से नहीं है, लंबी सी हो चुकी है। तो आखिर क्या होता है जब बूंदी इस तरह की बनती है और ऐसी परफेक्ट रसीली बूंदी बनाने के लिए आपको किन चीज़ों को करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कप बेसन, कोई भी कप या किसी बाउल से सारी मेजरमेंट करनी है आपने। मान के चलिए कि हमने यहाँ पर एक बाउल भर के बेसन ले लिया है। ये जो बेसन है ये एकदम बारीक वाला है। बेसन में जो ये छोटी मोटी इस तरह से गांठें होती हैं, इन्हें मैं ऐसे चम्मच से ही मोड़ दूंगी, आप चाहो तो इसे छान सकते हो। तो अब ये गांठें मोड़ जाने के बाद हमें सिर्फ इसमें पानी ऐड करना है। मैं इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आप देखना बूंदी बहुत अच्छी बनेगी। तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब पानी की मात्रा कितनी रखी जाए ये तो डिपेंड करता है कि बेसन आपने किस क्वालिटी का लिया है। कई बार बेसन जो है वो हमेशा फाइन नहीं होता है, थोड़ा सा मोटा भी होता है। तो पानी की जो मात्रा में आप मत जाइए, मैं यही कहूँगी पानी की क्वांटिटी में मत जाइए। आपको मैं परफेक्ट बैटर ही बनाना बताने वाली हूँ आगे। पहले तो मैंने अब इसमें आधा कप पानी मिला दिया है। अब मैं बताती हूँ आपको सबसे ज़रूरी चीज़। अब वीडियो में तो किसी भी तरह के बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम प्रॉपरली समझ में नहीं आती है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान के चलिए अगर आपने इस तरह का बैटर बनाया और इसकी बूंदी बना के देखी तो बूंदी कुछ इस तरह से बन रही है जिसका बिल्कुल चूरा सा हो रहा है। तो इसका सही से मतलब सिर्फ इतना है कि आपने जो बैटर बनाया है वो बूंदी बनाने के लिए पतला है। इसे सही करने के लिए आपको इसमें और बेसन ऐड करना पड़ेगा ताकि ये बैटर थोड़ा सा थिक हो जाए और आपकी बूंदी अच्छी बने। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, अगर आपने बैटर बिल्कुल इस तरह से बनाया, ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बैटर अभी तो दिख रहा है, लेकिन बना के देखते क्या इसकी सही से बूंदी बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस बैटर को इसके अंदर डाल रही हूँ। ये तेल में आप देख सकते हो बूंदी तो बढ़िया से गोल गोल गिर रही है, हमें लग रहा है कि बूंदी एकदम अच्छे से बन रही है, लेकिन जब ये तल के हो जाएगी तब आप इसे हाथ से छू के देखना, ये बूंदी जो है ये थोड़ी सी हार्ड लगेगी। तो अगर ऐसी हार्ड बूंदी आप बनाते हो, इसे चाशनी में डालते हो, चाशनी अंदर तक अच्छे से नहीं जा पाती है, मतलब रसीली नहीं बनेगी बूंदी, थोड़ी सी रूखी सूखी सी बनती है, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पे मैं इस बेसन को पानी के साथ घोल रही हूँ। अगर आप जानना ही चाहते हैं कि मैंने कितने कप के लिए कितना पानी डाला था, तो एक कप बेसन के लिए मैंने 3/4 कप जितना पानी का इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी आप बैटर को ही सही से पहचान लीजिएगा, पहले पानी की क्वांटिटी में सच में मत जाइए। अब इस बैटर को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। इस तरह का झारा हमारे सबके घर में होता है, इसके लिए आपको कोई दूसरा झारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कद्दूकस होता है, उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पहले चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। 1 कप बेसन लिया था तो 1 ही कप चीनी लेंगे और उसमें 1 कप पानी मिला देंगे। तो बेसन, चीनी और पानी, इन तीनों की मात्रा एक ही रहेगी। अब चीनी और पानी को थोड़ा सा घुलने देते हैं, फिर हम इसको पका लेंगे। अब 5 मिनट बाद ये जो बेसन है इसके अंदर मैं कलर मिलाने वाली हूँ, क्योंकि हम थोड़ी सी पीली बूंदी बना रहे हैं, बिना कलर की बूंदी अच्छी नहीं दिखेगी। बना सकते हैं लेकिन दिखती अच्छी नहीं है। अब थोड़ा सा एक चुटकी कलर, ये पीला कलर हम इसमें मिला के इसकी बूंदी बनाएंगे आगे से। अब मैं आपको बैटर भी दिखा देती हूँ कैसा है। ये चीनी और पानी घुल जाने के बाद मैंने इसे गैस के ऊपर रखा है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इलायची, खोल के डाली है क्योंकि मैं बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर चाहती हूँ। अब ये मैं अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद, हमें इसकी किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है क्योंकि बूंदी बनाने के लिए चाशनी बिल्कुल पतली होती है, लेकिन उसमें ज़रा सी चिपचिपाट होनी चाहिए। अब ये चाशनी को हम अच्छे से पका लेंगे और हमें इसे ढककर रखना है ताकि ये बिल्कुल गर्म रहे, और बूंदी भी हमें गर्म ही चाहिए और चाशनी जो है वो भी हमें गर्म ही चाहिए, तभी बूंदी जो है वो रसीली बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बैटर की, ये बिल्कुल सही बैटर है अब परफेक्ट बूंदी बनाने के लिए, जो रसीली भी बनेगी और गोल भी बनेगी। अब तेल का टेम्परेचर सही से होना ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। एक ड्रॉप पहले गिरा के देखें, एकदम छट से वो ड्रॉप उठ के ऊपर आ जानी चाहिए और गोल बननी चाहिए। तेल अगर ज़रा सा भी ठंडा रहता है तो इस वजह से बनने वाली बूंदी जो है वो बिल्कुल चपटी बनेगी। तो तेल का टेम्परेचर अच्छे से गर्म, ये होगी बात। पहले आप गर्म कर लीजिए, फिर फ्लेम को लो पर करके रखिए। अब जिस झारे से हम बूंदी बनाने वाले हैं वो झारा इस पैन से हल्का सा हमें ऊपर रखना है, एकदम पैन को टच करके मत रखिएगा, हल्का हम उसे ऊपर रखेंगे। अब ये जो बैटर है बूंदी का वो हमें बीच में से नहीं छोड़ना है चम्मच के ऊपर, इस झारे के ऊपर ऐसा गोल घुमाते हुए हम इसको छोड़ेंगे। बीच में से ही छोड़ेंगे तो पता है क्या होता है, नीचे से सारा फटाफट से गिरने लग जाएगा और बूंदी सारी एक जगह जमा हो जाएगी। ऐसे गोलाकार सर्क्यूलर में उसको घुमा के डालिए।
बूंदी अपने आप से गिरते जाएगी, आपको इसके लिए चम्मच को ऊपर नीचे हिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अक्सर आदत होती है कि फटाफट से बूंदी गिराने के लिए चलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा चम्मच घुमा लेते हैं, ऐसा हम करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका काम जल्दी तो होगा लेकिन बूंदी की सारी शेप बिगड़ जाएगी। ये आप देख सकते हो बूंदी की शेप बिगड़ गई है यहाँ पर और लंबी लंबी गिर रही है बूंदी, तो ऐसा होता है, इसलिए बूंदी को अपने आप से गिरने दें, इसके ऊपर कोई चम्मच ना घुमाएं। अब आपने देखा यहाँ पर हमने किस तरह से बिना चम्मच को हिलाए अच्छे से गोल गोल बूंदी बना ली है। अब हम इसे अच्छी तरह से सिखाई कर लेंगे। इसकी बूंदी तलते वक्त फ्लेम को लो पर रखा कीजिए, तेल तो गर्म होता है, फिर फ्लेम को आपको लो पर सेट करके रखना है। बूंदी तलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, दोनों तरफ से हल्की सी पक जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। और जैसे ही हमने ये गर्मा गर्म बूंदी तेल से निकाली, ये गर्म बूंदी हमें हल्की गर्म चाशनी में डाल देनी है। चाशनी तो हमने पहले से ही करके रखी है तो चाशनी का टेम्परेचर अब हल्का गर्म होगा, उसी में हमें ये बूंदी डाल देनी है तुरंत। अब आपको इस बूंदी को चाशनी में इसी तरह से थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि ये बूंदी अपने अंदर चाशनी को अच्छे से सोख कर ले। आप देखने पर से भी पता चल जाता है कि इसके अंदर चाशनी जा चुकी है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। अब ये हो चुकी है, हम इसे निकाल के अलग करेंगे। अब दूसरी बूंदी बनाने से पहले जो चम्मच है उसको आपने कपड़े से या किसी टिश्यू पेपर से साफ कर लेना है, धोने से अच्छा है कि आप इसको साफ कर लो। अब फिर से वही सेम तरीका, फिर से बैटर को गोलाकार दिशा में डालते हुए डालना है और बूंदी को गिराना है। यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी हरे रंग की बनाई है, बेसन में थोड़ा सा हरा रंग थोड़ा सा मिला के मैंने हरे रंग की बनाई है और एक ऑरेंज कलर की भी, ये भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इतनी सारी बूंदी बना के तैयार कर ली है। पहले बैटर में जितना मैंने बैटर आपको बनाना बताया था ना, उतने में पीली बनी है, फिर मैंने थोड़े से मैं हरी बनाई थी और थोड़ी सी ऑरेंज भी बनाई थी। अब आप देख सकते हो अच्छे से खिली खिली हो चुकी है। अब ये दोनों जो है ये थोड़ी सी गीली है, बाद में ये भी इसी के जैसे खिली खिली बन जाएंगी जब इनके अंदर पूरी चाशनी चली जाएगी। बीच बीच में क्या करना है आपको, थोड़ी थोड़ी देर बाद इस बूंदी को ऊपर नीचे हिला देना है ताकि ये सब तरफ से इसको हवा लग सके और ये अच्छे से जो है खिली खिली बन जाए। तो फ्रेंड्स, लगभग 3 से 4 घंटे के बाद ये बूंदी इस तरह से बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, सारी एकदम मोती की तरह एक एक दाना अलग हो जाता है, एकदम रस से भरा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, थोड़ी सी लाल थोड़ी सी हरी इस पीली के अंदर मिला देनी है ताकि इसको बिल्कुल एक शादी वाली बूंदी की तरह लुक आ जाए, जो दिखे एकदम बढ़िया, कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है, इतनी ये बढ़िया और स्वादिष्ट बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, आशा करती हूँ कि मैंने आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, आपको इससे मदद मिले, तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।